महज 2 वर्षों के अंतराल में मोदी सरकार ने भारतीय नौसेना के बेड़े में तीसरी अटैक सबमरीन की सौगात दी है। आज 20 दिसंबर को परियोजना की 5वीं पनडुब्बी 75 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी याद 11879 भारतीय नौसेना को सौंप दी गई। यह अटैक सबमरीन इतनी खतरनाक है कि पानी के अंदर ही दुश्मन का खेल खत्म कर सकती है। यह बहुत गर्व की बात है कि इसने समय से पहले ही अन्य पनडुब्बियों की तुलना में कम से कम वक्त में हथियार और सेंसर परीक्षणों सहित सभी प्रमुख परीक्षणों को पूरा कर लिया। भारत लगातार अपनी समुद्री ताकत को मजबूत कर रहा है। इसी वर्ष भारतीय नौसेना को खतरनाक युद्ध पोत INS विक्रांत और विक्रमादित्य भी मिल चुके हैं। इसके अलावा INS उदयगिरी परमाणु पनडुब्बी भी नौसेना की ताकत बनी है। अब INS वागीर के आने से नौसेना की समुद्री ताकत में और अधिक इजाफा हो गया है। पनडुब्बी निर्माण एक जटिल गतिविधि है क्योंकि कठिनाई तब बढ़ जाती है जब सभी उपकरणों को छोटा करने की आवश्यकता होती है और सभी कार्य कड़े गुणवत्ता की आवश्यकताओं के अधीन होते हैं। एक भारतीय याद में इन पनडुब्बियों का निर्माण आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम है। 24 महीने की अवधि में भारतीय नौसेना को दी गई तीसरी पनडुब्बी है ये। मुख्य खासियत INS वागीर कलावरी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की, इसकी गति पानी के ऊपर करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 15,000 से 30,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकती है। यह लगातार 50 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है और 350 फीट की समुद्र की गहराई तक जा सकती है। इसके जरिए 18 SUT टॉरपीडोज और SM.39 एक्सोसेट एंटीशिप मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। यह पानी के अंदर समुद्री सुरंग भी बिछा सकती है। एक बार में 30 समुद्री सुरंग बिछाने की क्षमता है। यह दुश्मनों पर अटैक करने के साथ उनकी जासूसी भी कर सकती है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 221 फीट, 20 फीट और 40 फीट है। यह एंटी टॉरपीडो काउंटर मेजर सिस्टम से भी लैस है। पानी के अंदर से ही मिसाइल लॉन्च करने की भी क्षमता है।